कैरियर प्रेस अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करेंगे क्लैरिकल का प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था हमारा 2018 में। इसमें हम एचपी जीके के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय साहसिक खेल है, तो ऑप्शन है हमारा माउंटेन साइकिलिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग या ये सभी। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये सभी ही हिमाचल के साहसिक खेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपकुलपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर आर के सिंह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एचपी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी हमारी 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के नीमर किस जिले में कोई शहरी आबादी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाहौल स्पीति। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति ही है और पॉपुलेशन हमारी सबसे ज्यादा है हमारी काकड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात है, ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 972 हिमाचल का लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च है, ऑप्शन है हमारे डोम्बा, जाट, गद्दी, भूट। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, गद्दियों की संख्या हमारी हिमाचल में सबसे ज्यादा है। इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। जो हमारे एचपी में एसटी हैं उनकी जनसंख्या हमारी 3,92,126 है और एचपी में जनसंख्या प्रतिशत है हमारा 5.7% एसटी जनसंख्या है हमारी हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। शिमला की नगर पालिका कमेटी कब भंग कर दी गई थी, तो हमारी कब भंग की गई थी 1959 में, 1965 में, 1969 में या 1972 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1969। और हमारी म्यूनिसिपल कमेटी थी इसकी, इसका गठन कब हुआ था हमारा, इसका गठन हुआ था हमारा 1851 में, नगर समिति के रूप में इसे गठित किया गया था दिसंबर 1851 में। और 1850 के अधिनियम 26 के प्रावधान के तहत इसे हमारा दिसंबर 1851 में नगर समिति के रूप में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है, तो ऑप्शन है हमारे शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा। तो सबसे ज़्यादा हमारे विधानसभा की सीटें हैं वो कहाँ है हमारी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कांगड़ा में हमारी जो विधानसभा सीटें हैं उनकी संख्या हमारी 15 है और हमीरपुर में हमारी 5 हैं, मंडी में हमारी 10 हैं और शिमला में 8 है, शिमला में 8। तो इस तरह से हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, कांगड़ा में, उसके बाद मंडी, उसके बाद शिमला और हमीरपुर में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फुलैच त्यौहार किस घाटी में मनाया जाता है, ऑप्शन है हमारे पांगी, चंबा, किन्नौर, स्पीति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, किन्नौर में हमारा फुलैच उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुप्रसिद्ध बाबा पालकनाथ का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो ऑप्शन हमारे हमीरपुर में, बिलासपुर में, कांगड़ा, ऊना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, हमीरपुर में हमारा बाबा पालकनाथ का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, चमेरा बांध है हमारा किस जिले में है, ऑप्शन है हमारे कुल्लू में, किन्नौर में, मंडी में या चंबा में। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, चंबा में हमारा चमेरा, चमेरा पावर स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, राजा का बाग हमारा सोलन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य सरयू नदी के तट पर अवस्थित है, ऑप्शन है हमारे रूपी भाभा, तीर्थन, कुट्टी, मजाथन। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, रूपी भाभा। रूपी भाभा हमारा, ये हमारा किन्नौर में है और ये हमारा सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाक्षेत्र क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्नतम है, तो सबसे कम वनाचित क्षेत्रफल प्रतिशत में कहाँ है, ऑप्शन हमारे किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ऊना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति में हमारे वनाचित क्षेत्रफल का प्रतिशत न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भाखड़ा निंगल बांध का निर्माण किस वर्ष के दौरान हुआ है, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पवन नदी का जल पोषण निम्नलिखित किस हिमनद से होता है, तो ऑप्शन हमारा चंद्रा हिमनंद, भागा हिमनंद,
बादल हिमनंद या चंद्रनाहन हिमनंद, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा चंद्रनाहन हिमनंद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। और हमारी पब्बन नदी है चांसल चोटी से निकलती है और इसका जल पोषण करता है हमारा चंद्रनाहन हिमनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चाया की घाटी से प्रसिद्ध है? ऑप्शन हमारा पिन पार्वती, रोहतांग, चोबिया, कुंजू। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा पिन पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी? ऑप्शन हमारे कुल्लू में, द्वारिका में, अर्की में या मुल्तान में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी मुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेर सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन हमारी साहू में, चौरासी क्षेत्र में, ज्वालामुखी या चम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी ज्वालामुखी में हुई थी हमारी उमेर सिंह की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशहर राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ऑप्शन हमारे नारायण सिंह, शमशेर सिंह, पदम सिंह, वीरभद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी पदम सिंह, जो वीरभद्र सिंह जी के पिता थे, अंतिम राजा थे हमारे बुशहर राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था तब कुल्लू राज्य के राजा कौन थे? तो ऑप्शन हमारे सिद्ध सिंह, मान सिंह, राज सिंह और जय सिंह। इसका राइट आंसर होगा हमारा राज सिंह इसका राइट आंसर, और जिस मंडी के राजा थे सिद्ध सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, रवीनगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन हमारे करम प्रकाश ने, पदम प्रकाश ने, अखंड प्रकाश ने या वीर प्रकाश ने। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वीर प्रकाश, और वीर प्रकाश प्रकाश जो हमारा वंश था हमारे सिरमौर के राजा थे हमारे प्रकाश। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग शिमला गए थे? ऑप्शन हमारा 1858 में, 1859 में, 1860 में, 1861 में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 1860 में लॉर्ड कैनिंग शिमला गए थे, और हमारे ये हमारे ब्रिटिश वाइस रहे थे प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, शिमला की सिसिल होटल पहले जानी जाती थी? ऑप्शन हमारे ओब्राय होटल, हिल्टन होटल, फेलेटिस होटल या क्लार्क होटल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी फेलेटिस होटल के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरासी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? ऑप्शन हमारे सिरमौर, हमीरपुर, मंडी, चंबा। तो चौरासी जो क्षेत्र है हमारा वह हमारा चंबा में। राइट आंसर डी। बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है? ऑप्शन हमारे छुम, रिछुम, हुम या धूम या धूम। दूसरा राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी धूम। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों।